किसी के हाथ न आएगी कि जाए चाचा बिहानी जाऊं हूं बिहानी तो जाओ है फिर यू की पर रही है दिखता कोनी फूट रही है लत्ते पैर रखे हैं ये लत्ते हैं के गात तो तेरा गुआड़ा दिखन ला रहा है मड़ी शर्मा ले बेटा दुनिया चांद बजाली चाचा और तू अड़े खड़े है फैशन है यो दुनिया तो गोबर खागी तू खागी हम कहोगे लत्ते पारने पड़ेंगे मारी भी को काम इज्जत होगी क्यों खराब कर दी हंडा है चाचा तू तीसरा तेरे लिए कौन मेरी माँ का दिक्कत नहीं मेरे बाप का दिक्कत नहीं और दुनिया तो मन मतलब ही के दिक्कत तो सही बेटी जब तेरे पे नाम देख कर गाँव में चार बात उठगी तो जात किसकी जागी मैंने किसी का ठेका को ले रखा और जो मेरा जी करेगा ना मैं तो वो ही पैरूंगी और तेरे की मिहोन है वो कर लिए जान देने बात कि मैं कौन रहा तेरा मारूंगा ना पान चले गए छनक बगाओगी तन्ना के हूं मैं अरे गुल गले हम बोल रहे बहुत है चर 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 कित गई रहा है हाँ एक बात सब नशे जान कर रहा हो रहा है क्या था अरे डांगर पानी पिया नुआ आया खुट्टे बदलिया तेरे पर रोटी कौन गली और हमारे सर न फोड़ेगी तने तो आप आड़े गिना दिए के कौन कर मने बर्तन बंडा रोटी सब्जी के कौन होता घर में काम आप आड़े जिदे गिना दे है चल खेत में ये पौधूंगी दो रोटी इन दो काम हम तन 10 बजा दिए मेरा बापू 4 बजे उठ के हाथ जोड़ लिया करता मेरे तो नू कौन सुन तू घर बसाओ कुकर की मने तो यू उजाड़े है तेरा जो सी तरह बसावा उसने लिया जाकर ने शर्म तो कोनी आंदी और छोरी बराबर में खड़ी बाबू क्यों सारा दिन लड़ी जा है तू तने बेरा हमा कितना काम करा है करना ए माँ की मैं कोनी करती यो ए पटका सारी छन है बाबू ना लड़ा कर इब तो एक तो दो बोट हो गए थारे इब के जितन तो बेटा था मना आहो नुए गल में गलिया कर तू तो हां भाई के कहता छोरी ने के गलत कह दिया भाई तेरी हिम्मत किस तरह हुई छोरी इतनी भी कहने की रमन तो अपना करके गई थी देखी छोरी का फैशन अपनी गांव में रहा हां शहर को नहीं हो गांव में रहा होगा तू छोरी शहर में पढ़े से और फैशन से आजकल का दुनिया पर ऐसे तेरे की में तकलीफ से तकलीफ तो सह भाभी जिदे कही है मन्ने बेरा से तेरे तकलीफ क्या से मारा ब्योत से तेरा ब्योत को नहीं हम तो पढ़ाओगे मारी छोरी ने बेबे ब्योत की के बात करे है तेरा कदे मांगन ने को नहीं आए राम ने 2 रोटी सूत्री दे रखी है समझ गई गणा ने ऊपर मुंह करके ना थूके मुंह को ऊपर आ पड़ेगा गंठे रोटी खानिया ने के बेरा फैशन के चीज हो है रपिये लगे रपिये ठीक है अरे टोटा ना फतवानी जानी चीज से बड़े बोल ना बोल घमंड तो रावण का भी कौन रहा और तू मां जा भाई से जिदी छोरी दी कह दी ना मैंने जरूरत भी कह दी पापा इन्हें कह दे आज पछा मन की मैं कहने की जरूरत नहीं है और ना राम है टोकेंगे बापू जब इतना अपने समझ देगो नहीं तो तू क्यों कह अगर अरे किसी सही मानस ने कही है कि ठोकर लगेगी ना तो अक्ल अपने आप आ जाएगी ए करके 2 चोटी और जनू कागज चुगनी आगी है फालतू ना बोले के बात बेबे क्यों कर दिखा तेरा कागज चुगन वाली छोरी का पहनावा देख ढंगता चल रहा है तेरा अलगी डाल को नी कुआरा मंडे करके लाल उठ रहा हंडन लग रही शर्म आवे थोड़ी बहुत लाल उठ इसने लिपस्टिक का आग रहे कदे नाम सुनया से 1000 रुपये की आवस है ब्योत को नी सब्जी खरीदन का मारी छोरी पर बड़े से लिपस्टिक है मार ली तो बेबे उठा का ना तेल की आंगली ला के काम चला लेगी समझ गई तू करवा ले लाल ओठ कोई दिन में करेगी ना नाम रोशन आगा आ जाने सारे इन्हें चुप कर ले और मारी छोरी ने ना काम करने की जरूरत को ना नौकर चाकर घने हैं करना है समझे अरे नौकर चाकर तो ठीक है ये छोरी लखन सिखा ले घर का ना आगे गाल मिले अगर माँ बाप ने और मेरे पर गलती है कि मैंने कह दी जा मेरा भाई तू जा मारी छोरी चाहे कुएं में पड़े जेरे में तले कड़े मारी छोरी तक मैं कहने की जरूरत नहीं है चल ना सियाना क्यों मुंह लाग गया सही नहीं बेटा अरे मैं अनपढ़ गवार सही कही है तेरा संस्कार बड़े हो है बोखले बोखले ओए राम थक गए यार आज तो मैं भी बहुत थक गई पीछे लेके आई वो हाँ ले आई अरे ये तो बाद में दे दिए एक काम और था तेरे तो हाँ बोल 27 तारीख का भी साल का बर्थडे है उसने पार्टी दे रखी है इस बार में चलना है तने भी तू बुलावर मैं ना हूँ हो ही नहीं सकता अरे तू नखरे दिखाने लग जा टाइम पे नखरे नहीं दिखाऊंगी तो फिर छोरी किसने कहोगे तो किसी और का आगे दिखा लिया अगर मेरा आगे दुखा रहा है इतना तो मेरा हक बना है ना मालकिन यो कौन है कोई भी हो तने से के मतलब अच्छा मालिक ने धोखा देन ला रहे हो चल सारी पोल खोलूंगा मालिक का आगे तू और मेरी पोल खोलेगा तेरा बरगान तो मैं गोज में रखूं कौन है वंशिका यो अरे कोई नहीं हमारे घर का नौकर है नौकर भी इतना बोलने लागे
तू घर न चला जा, नहीं तो तने मैं बता दूंगी बे। जा। आप तो को नहीं बताऊ, मैं बताऊंगा। छोटू डोरेमोन देख ले जा, कोई बात नहीं। किसे किसे पढ़ रखे है? मैं बे घर न जाऊ हूँ, के बेरे पापा ने बता दे जाके। चल तू संभाल ले, हैंडल कर लिए ठीक से। और कल टाइम पे आ जाइए। ठीक है ठीक है। पापा मुंशिका क्यों गए बेटा? मैं सुती थी, संदीप मने छेड़ा। अरे तेरी मत किस तरह की छेड़न की छोरी ने सर फिर आगे तेरा ना मालिक, मैंने ऐसा कुछ को नहीं करा, या झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है? एक तो गलत काम करे और ऊपर तुम्हारी छोरी झूठी बतावे है। ना मालकिन, या मैंने ना मैं अपनी बेबे मानी है, इसे हमने कुछ भी नहीं सोचा ना कुछ करया। और आस्तीन के साथ हम मैं तेरे दूध पियावा थे और मारे डक मार रहा तू हैं? मालिक मैंने बतान दिर शर्म आवे, छोटी मालकिन ने कि जे छोरा के लिए प्यार करे थी और मन ने देख ली, जात मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाना रही है। पापा देख ले, एक तो चोरी ऊपर तो सीना चोरी, मन ने छेड़ा मेरे पे इल्जाम लगावे। ये लू को नहीं मानना है, पुलिस से बुला और इसने और पुलिस में दे दे जुर्माना गयो। मालिक मैं आपके पैर पकड़ो, मैंने ऐसा कुछ को नहीं करा, ना आपका नमक खाया है और गुलामी करी है आपकी। मालिक ये तो तेरे बाप दादा से ना ये नौकरी करा करते मेरे तो रहे जाती उनकी शर्म से ना तो तेरे बाप दूंगा मैं भजन कर लिया क्या कहता है। मालिक मैं ना काट दे ना बिराना क्या हो जाएगा, क्या कर दूंगा मैं। मालिक चल ले जा चल। संदीप है? हाँ जी। के बात दीवाली पे गांव में चल पड़ा? ना बाबू जी गांव खड़े, मैं तो सरपंच का जाम हूँ। संदीप है पहले तो बाबू जी ना कहे, अपा भाई सा अब तू रो ना, बात की हुआ बता। मालिक की छोरी ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया छेड़खाने का और मैंने पंचायत इकट्ठी करूँगा। बस संदीप पंचायत ना करे, गांव इकट्ठा होगा ना कोई तो तेरी कहेगा और कोई छोरी कहेगा, इज्जत अपनी ये जागी। ना मालिक आप हाथ ना जोड़ो, मैं ठोकरा मरेणिया इंसान हूँ, उनने मेरे गले ने घना गलत कराया। संदीप होगी बात होगी यार, भूल जाए इस बात नहीं पे। मालिक जो गरीब आदमी ने भूलन दस बार के कर सके है। राम राम। संदीप इब चल लिया कित। मालिक जोड़ा ये पैर है हर जिंदगी ले जाएगी, उड़ जाऊँगा। संदीप एक बात कहूँ, बुरा तो मानिए ना। ना मालिक भाई तू मेरे ना भाई वर्गा है, हाँ तुम रगेली चाल, तेरे बाप का और मेरे बाप का की मेल कौन था रे? आज तू वाई बात सब भगवान कर दी कि तू नौकर है और मेरा भाई तेरा मालिक बने बैठे है रे, जिस रुखी सुखी मैं खाऊंगा ना उसी तने खुआऊंगा। ना मालिक है माँ पर क्यों बोझ बनो ऐ लगदर भाई यम किसा बोझ, चल तुम रगेली या के बात कही ले अगर डी मन दे दे। बड़ी ठीक हो गई तो जमींदार पक्के है छह भी नहीं फसल आओ है ना तो वाह बात रहे जी हाँ गल का आ गल का। ले भाई पान पानी पी ले। तू छोटा भाई है इतना कष्ट ना करा करे, हम आप पर ले लेंगे। अच्छा अरे ओ इज्जतदार लगवा दे इज्जत के झंडे तने। के बात भाई ई मन्ने के कर दिया और के करेगा तू, उदन तनु के तक थारी मारी इज्जत एक से इसे काम करा करे। तो बच्चों में क्यों आ रहा है पहली बात तो बता। मैं बताऊंगी तने के कर है मारा दुश्मन है और तन्ना अपना ग्राम पना दे ली। भाभी मनीष पर पूरा भरोसा है, संदीप ऐसा काम कर नहीं सकता। तो तेरा कहने का मतलब यो से अगर मारी छोरी अपने आप उड़ाओ अपनी। भाई जो कहना चाहो था ना वह तन इसकी सुनिए को नहीं, इसने मेरे सारी बता दी आज तेरा चढ़िया उल्टा पटा। उल्टा पटा तो तेरे घेर दिया इसने है और तेरी हिम्मत को करोई मारी छोरी की उड़ान की। उरे ने मेरे तो बात करे छोरे का नहीं लखाने की जरूरत नहीं है, कमी इसकी कोनी अपनी बेटी पर लगाम घाल पहला खुली जोड़ी छोड़ रखी उसकी जोड़िया में बांधो थम थार लीने मारी तो नीवे खुली रहेगी और लाड कोट तो पाल रखी है तम बड़ो है क्यों सो मारी छोरी पे। जड़ते कौन भाभी यो सरपंच का जा था और गांव कट्ठा और ना तो किसकी जा रे किसकी जा रहे बता तुमने जवाब तो दे। अरे जिसकी जानी है ना उसकी तो जागी और आज तो है ना छोटा भाई मान रखा तू
पर आज पाछा है ना सब बड़ा दुश्मन तू है मेरा। किसी ने सही कही है, अग भाई तो बड़ा दुश्मन है कोनी, ओंदे मां का दूध छुड़वा दे। और मारी इज्जत का ठेकेदार बन की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर ने संभाल ले। सही है, बढ़िया लाइन पे चल रहा है। चल सैनी, देख बड़े है ना समझा कर हैं, उल्टा पट्टा चढ़ रहा मानदा कोनी। भाई पवन है, मैं पहले कहूं था तने तेरे दोनों भाइयों के बीच में क्यों दुश्मनी पैदा करे है, और भाई कहानी बन गई ना, मैं डगर जाऊं के। अरे संदीप के बात कही रहे नुका कर जिसे बो बने उसे काटेगा और खोदागा तो पड़ेगा, तन्ने कोई टेंशन को नहीं, मैं तेरे सेती हूँ, आज भी हूँ काल भी था। देखो साहब जी, मैं चाहूँ हूँ मेरा कारण तेरे बीच में दुश्मनी नहीं हुआ। संदीप एक तो बात बात के तू साफ ना कह कर, सारे भगवान ने इंसान तारे थे लेकिन दुनिया की सोच बदल गई। जा इस रोटी कर दे। चल चिंता ना कर तू, मां मेरा ये चीज थके रसन का टोटा दूर करनिया। जिया। हाँ बाबू। अच्छे काम कौन तेरे ये? क्या हो गया बाबू? आए मेरे ते पूछा क्या हो गया, मेरे का मुंह रे के करी बात एक बारे, तू ये लकड़ी करता है क्या हो गया? क्या ते गले में गल रे बालक के? गल में भी नहीं गलूं, इसने बेसन में शर्म को नहीं दी, तू यहां कही दिया। छोरी तने बेसन तो कहने की जरूरत को नहीं, समझ गया कि मैं काम सिर बिग भी गई बालक के जुलम हो गया ऐसा? अरे मैं जान खातर को नाटता फिर बालक टेम पर घर नता हो है। टेंशन मन ने भी है जाम रखी है, समझ गया सारी अणगड़ में गलिया रहेगा। मन बता बेटी कितना गीतनी बार माँ वो दादी ने थी है ना, वो गिर गई थी तो उसके पैर में मोच आ गई थी, जब डॉक्टर के लेकर गई मैं उसने दवाई दुआ के फिर आई तो लेट होगी। सुन ली कि मैं बुरा कर काई है के किसे की टांग टूट गई जय छोरी दुआई दुआ ले आई के बिजली पड़गी 5 मिनट में। बेटी जी पूरा तू अपने बाप ना ने गलत ना समझिए, तो जितनी घर ने न्याले है ना तो मेरे लाडो मन चिंता रहा है। बाबू चिंता मत किया कर, मैं ऐसा कोई भी काम कौन करूं जिसकी वजह से तने सिर झुकाना पड़े। इतनी बावड़ी ना अपनी छोरी। मैंने बात की है बेरा बेटा, जितनी तू घर ने न्याले है ना इतने मैं रोटी कौन खाऊं? कोई नहीं बाबू, चल ही रोटी खावांगे। चल आज मूवी लग रही थी, चला चलेंगे थोड़ी देर बैठे रहे। यार रोज बैठा हाँ है, एक आधा दिन बाहर भी चल पड़िया करे। बाहर जाना जी नहीं करता, तेरे के लिए टाइम स्पेंड करना जी करे। तो टाइम स्पेंड उसमें दाऊ होगा, उड़े तो तेरा फिल्म में ध्यान बट जाएगा। बावड़ी हो रही है, इतनी सोनी छोरी दो बैठे पास है, फिल्म कौन देखेगा? गणी मस्करी ना करया कर। अरे मस्करी कौन करता, तने देखा पास बात निकले जा हम उधर। अच्छा तू मैंने बता, तू आज ना तुम्हें तो फोन पर बात करके आया ना कि मैं, और तू भी आज मेरे साथ मैच क्यों करके आ रहे हैं? अच्छा वाइट वाइट के? हाँ। अरे ये दिल की धड़कन है ना, अपना आप सुन ले है, अब तू के पर है के कर है। ठीक से चल ना आड़े बैठी यार, कोनी मजा अरे ये भी तो आया हूँ करने यार, करण दिया करो आराम कर दे मने। अरे वह पेमेंट दिया आया आधा, फोन कर ले दो रेक पे। सेना 10 बज गई। फिर के करा, नींद आओ तो सो जा। एक माना नींद आस कह की जिसके बालक बाहर जा रहे हो सारी हण मजाक करे जा, वंशिका को नहीं आई से? क्यों चिंता कर रही है छोरी की, आ जाएगी। जब मैं चिंता नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, आज घनी लेट नहीं हो रही छोरी? अरे मेरे दर फोन आया था सैनी, किसी यार दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से। ठीक है अरे यार उम्र आगे खेलन खाने की बड़का की, और तूर में बुढ़ा बुढ़ी अंडा के घूमने। ठीक से मेरी की तो बात मान है। हेलो डैड। हाय बेटा कैसे? हेलो मम्मी, कैसे हो दोनों? हम तो ठीक है बेटा, तू बता तेरी पार्टी किसी रही? बहुत एंजॉय किया डैड, बहुत एंजॉय किया, हमने डांस किया, ड्रिंक की, फुल मस्ती की। अरे बहुत बढ़िया, जा आराम कर ले तू जाके। हैं और आप दोनों ने खाना खा लिया? खा लिया खा लिया, जा कर ले आराम। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय, सो जाओ। आजकल के बालक भी ना, आजकल के बालक नहीं छोरी की, मैं दारू सी नहीं पी रही आज। फिर बर्थडे पार्टी में जा रही थी, ले ली होगी ना थोड़ी बहुत, क्या फर्क पड़े चाड़ी? मैं ठीक कहूँ सू, तने नू नहीं लगता या छोरी हाथा में जान लग रही है? कितना कोनी गई से, आजकल के बड़का अंदाब कर रखेगी ना
उतने बिगड़ेंगे। सलाह है तेरी, मैं तो के कह सकूँ तेरी औलाद। गनी भड़क मंद ना करे, आराम तो सोचे अपना। यो मच्छर मारने वाली खत्म हो गया ऑल आउट। फिर ये काम भी मैं करूँगा, वो रामफल दर मंगवा ले। वो सब्जी लेने गया है, पहले देख लियो मार तो कह दियो मार, इस सारे रात नींद को नहीं आओगी माछरिया में। ठीक सदा मंगवा दूंगा। सारे काम हो रहे हैं, भरोसा ना छोड़ कर, एक आधा खुद भी कर लिया कर, देख क्यों करो रहे। अजय हनुमान है। राम राम। राम राम। बैठ बैठ जा। और रिश्तेदार परिवार में कुशल मंगल है? बड़ी सब मौज में चल रहा है। काम धंधा बढ़िया है? हाँ जी ठीक चल रहा है काम धंधा भी। आप बताओ कई दिन में चक्कर मारा कि डालाना होया? ठीक कहो थमने तो बेराए को नहीं, काम इतना जल्दी हो गया। थारा बाण जगह ब्याह है, बेली ले गया हूँ। अच्छा कद का ब्याह टेका? बस 11 दिन रह गए जी, 21 तारीख का ब्याह है। 21 तारीख ने मार पे पहुँचा कौन जा? क्या था जी? मेरे भाई का साला का छोरा का ब्याह है, अरे एक महीना हो गया, उनने तो फोन कर दिया ना आ जाओ आ जाओ। देखो जी आप खुद समझदार हो, वो ब्याह जरूरी कि वो बात जरूरी? बात तो जब जरूरी होता जब मारी बाण जी हुए, और आजकल तो अपनी रिश्तेदारी उठा बैठ की रह रही है बस। अच्छा आज रिश्तेदारी खत्म होगी? 4 महीने पहले तू ये बात जाया था जमीन तरवाण खतर जी, तेरी बाण को मर रही थी। वो जमीन का मामला था। मेरी बात सुनो ने। हाँ। उस जमीन पर थारा के एक था और तुम्हारी थी, ये थाना तो नाम में तरवाणी थी। अच्छा यो तो राको नहीं अक था जब तई मारी ननद जीव थी, इब टूटी डाली उड़ गया मोर धी मरी जमाई चोर, इब के रह गया। हमने कुछ कौन चाहिए जी, एक बार पाटड़ा पा जियो मारा खातर तो वो है बहुत से। देखो जी सूखे पके किस तरह आ जा, मारी बेइज्जती नहीं बनेगी। मेरी सुनो बात है ना, तो मार दो रे इतना टेम, और इतने पीछे कड़ा है खर्च करने। पापा। हाँ बेटा। 10,000 रुपये दियो, मैं दोस्त की पार्टी है, मन पार्टी में जाना है। ले बेटा 1500 कर एंजॉय है। आप क्या ही बात देखो जी, और बेइज्जती है रही कम करवानी ना जी, बहुत इज्जत रख दिया अपने तो। एक बात और है, आगे निवास ना देखियो अका हमें आवांगे और ना उड़ान की जरूरत। राम राम। पवन। राम राम। जा राम राम। वो ठीक सो? हाँ ठीक सो। बैठ जाओ। अरे ममता पानी ले जी जा रहा है, तो बैग किसने टेक दिया जी? के बैग टेक दिया? राम राम जी जा लो पानी ले ले। बस जद आदमी का भीतर ला भर रहा होना है, पानी भी कौन उतरिया करे। के बात जी नु माड़े माड़े क्यों कर बोले? मेरे के लिए कहानी सी होगी, या तो पवन की आख्या की शर्म से तो मैं डट गया, नहीं तो एक मिनट डटना जी कौन करे इस गांव में। जीजा तेरा घर से कुएं आए आओ कुएं आए जाओ, फिर इस माड़ी बात क्या तो करी? मारा घर कड़ा है, तेरी बाण मरिया पास है, मन नू लग है मारा तो आके खत्म हो गया। जीजा मारी बाण मन तक रिश्तेदारी खत्म होगी, वो बुढ़े सदाए कहते आए छोरी ब्याई जा है तो सात पिडी की नींद दरी जा है। पवन खत्म होने में भी कसर रह रही है के, मैं तो कायदे तो बड़ा का गया था बेली लेके, बगा के मारी उसने। के बात होगी जीजा, उसने बगा दी, हम तो जियो है बह, रिश्तेदारी के जो भी नियम होंगे ना हम पुगावांगे। ठीक कह है जी, ब्याह में बातिया की बात होया ही करा है, और जिसे भी हाँ टूटे फूटे टाइम पे पाटड़ा पे जरूर पहुँचांगे। पवन यह बेली संभाल, और तने मेरी आए की जायत रख दी। तो हाथ क्यों जोड़ो हो, नू बताओ यार क्या किसी के लिए दुर्घटना हो जा। मैं चालू ही। के बात करो हो, नू जाओगे इस तरह मुँह पर थप्पड़ मार दो, कम तक सबर तो आ जाएगा, रोटी खा भी मुड़ भी कौन जान दूँ मैं। देख एक वो भाई है और एक तू है, दिन रात का अंतर धर्म है। कोई बात करूँ वो भी भाई ये है, इब उसकी दिमाग पर पट्टी भाई बात सब पड़ता पड़ रहा है, इलाज तो कौन की में जा जिज्जे खाता रोटी बना ले। ठीक है। अरे एक काम और करिए, वो कहते लुगाइए ने बुला लिया, मुझे छीटने छाटने से वादे रोटी दाऊँ खा लेगा। अच्छा हैं बैठ जाओ जी, और सुनाओ वो कब रहा है थाले कूट मार लो। बढ़िया भाई पवन है याकू पास बेच दे, अच्छा भा रहा है। और तो ढगा बात हो तने बेरा को नहीं, गेड़े भी नहीं मार ले, 10 दिन पहले 9,000 का था, इसी तरह 11,000 का डाक मारा है। बापू। हाँ बेटा। आज कॉलेज की आखिरी डेट है, एडमिशन करवा दो, निकलना एडमिशन को नहीं होगा।
बेटा मैं तो पानी ला के आ रहा हूँ, अब रिश्म छिड़कूंगा, टाइम तो को नहीं। कोई नहीं बाबू, अगर टाइम नहीं है तो टाल हो जाएगी फिर। ना है टाल क्या तो हो जाएगी, पढ़ना सही तो ना गए तो बाबू बिना एडमिशन का क्यों कर पढ़ूं और आपने टाइम को नहीं। फिर क्या बात होगी बेबे? अरे भाई तना टाइम नहीं है ना, तो मैं सुने मैं करवाऊंगा बेबे का एडमिशन। अरे संदीप यो भी दिवे तना दे रहा था, तेरा ही बात मेरे ध्यान को नहीं आई। अरे भाई पवन मैं भी इस घर में रहूं हूं, रन पानी खाऊं हूं, मेरा भी किमें फर्ज होगा। चल बेबे कागज उठा लिया, तेरा एडमिशन करा के आऊंगा। ठीक है बाबू, पीछे पीछे तेरी माँ पर ले ले। ममता ये छोरी पीछे दे दे। ठीक सर, तो मैं फिर सम छिड़के हूँ। भाई तू खेत का काम संभाले, घर में संभाल लूंगा काम सारा। भाई रे नाल कर दिए। हाल ही अपने यहाँ हाल ही भाई, मन कई देर होली यार बाट देखो यार तुम तेरी। अच्छा रे सामान की छोतेर ला, कई देर हो गई बाट देखते ने, इब दिन आ है आन लाग रही बात हुई है। इतना टाइम कोनी मने, धंधे बहुत गने मने, ठाली कोनी मतरे डाल यार। अरे भाई मैं पूरी कोशिश करने लाग रहा हूँ, उसका बस शक नहीं होना चाहिए, अगर मन ने वा बेच दी। रुपये दूंगा फ्री में ना लेंदा हूँ। ना ना वो मेरा काम, मन सारी बात कर रखी है। मिला सामान ले आगे ले आया हूँ देखा। ओरिजिनल दिखा है कति प्योर राखा कबड़ का काम नहीं कौन अपन दो रहा। तो मैं उड़े चल लूँ इतना जी लाग गए, और तू आ जा गेल गेल ठीक से। चल आ जा। यो टेम है तेरा आने का, कितनी देर का वेट करने लगा हूँ मैं। लेट मैं नहीं, तू आया है। अच्छा सॉरी, अपना दोस्त मिल। हेलो। राम राम जी। केपी तेरे इस दोस्त के बारे में कभी सुनिया तो को नहीं? अरे यो गुणिया है, यो बाहर रहा कर शहर में, आज गांव में आ रहा था तो मन से अतर तो मिलवा दियो एक बार। अच्छा। अरे खुशखबरी और भी है के? आज यो अपना पार्टी देगा, और तना चलना है? ना यार मैं तो भी ठीक नहीं है। चाल आज नहीं। मनसिका जी मारे खातर चाल पड़ो, उस खातर नहीं तो फिर कभी। कि मैं तेरी मुच्छा शर्म कर लो। चलो कोई नहीं, आप इतनी प्यार तो कह रहे हो तो चलो चलो ठीक है फिर चलो। एक बात तो है तने भी स्वाद आ रहा है चक्कर कटाण में। क्या के चक्कर कटाऊ मैं? और चाचा धर्मा ने कह दिन हो गए छोरी जी आते ली जान दे, उसका किराया भाड़ा कौन देना? अगला कोई मंगने ना आवे तो अगले के देने को नहीं है ना। अरे देऊंगा, सजन बनी पे लेके ना उन्हें दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रही है? टेंशन तो दो भिन्ने हो गए छोरी जान दे, मड़ा मोटा हफ्ते भी देख लिया कर। तै के सोचा है मन जमा चिंता को नहीं, आ तेरे का पछा बोल हो जाएगा। भाई पवन है। हाँ भाई। तने एक बात का बेरा है। क्या कह रहा है? गम में एक बात उठ रही है। के उठ रही है किम बताओ भीगा? अपने मन सिखा को नहीं, दो दिन हो गए घर ना आई, बेरा को नहीं, उसने ब्याह कर लिया के कर लिया भाई। उठ बात होगी और सारा काम हो गया, हमने बेरा को नहीं चला हो गया भाई। या तो सच्ची बात है भाई, उस छोरी ने ना कितने मुंह दुखान जोगा को नहीं छोड़ दिया। इसी बड़ी बात को नहीं कह कर संदीप है। और सुन सियाणा के बेरा के बात है, के मजबूरी में है, फिर भी अपने हैं, अपन चल के भेद पाड़ना चाहिए बात का। ठीक है सियाणी, चल संदीप भाई चल लांगे। ना भाई मैं कौन जानता, मेरा धक्के मार के काट दिया था मगर संदीप तो उसने धक्के मारे काट दिया ना, और आज जाओगा उसका भीतर भरिया होगा रही। हाँ चल ममता देर ना करे। ठीक है संदीप तर भाई चल चल। भाई दो दिन हो लिए छोरी की शक्ल देखे, हाँ तो बेरा पाड़ो ने मने मेरी बेटी ले दे की दे दे ले दे। तो और क्या करने लग रहा हूँ, फोन करने लग रहा है, बुझन लग रहा सारे की देखे। मैं कितने ले आऊं ने मन्ना नहीं बेरा, मेरी बेटी चाहिए मने। भाई यू कैसे तो बैठे रहे, बताई भी कौन था ना, इतना बड़ा हो गया के? हाँ तुम भी आ जाओ मजे लेने का तर। किसी बात करो हो मने बेरा पट्टा ना, मैं बाजा आऊं। बाजा को ना आया तू, तू जड़े पर नमक गिरना आया से। त्रियंता तो मत पूछ कि मेरा कौन प्रदान का, और इसी बात करने लग रहा अपनी इज्जत कौन थी वा? सफाई देने की जरूरत को नहीं, चुपचाप अपने घर जाओ, वह मारी छोरी थी सिर्फ मारी, हम आप संभाल लेंगे, शाना कह देने ना आपको घर से ले जाएंगे। चले तो जाओगे बेबे, जो सी बात हो रही है वह तो बता दो, जिसी मार पर राग लगी उसी गल लांगे। तुम नंगड़ा दो केस है, केस लगा लोगे तब मैंने फोन कर रखा है। भाई नुकार सुख दुख में ना अपने काम आ कर, अरे टेम तने देने का कोनी बेपति खोजन का है।
हम आप खोज लेंगे, तुम जाओ मारा हाल पर छोड़ दो, जाओ तो मर दो। रब नहीं सा डंग दिखे इसमें तेरी साजिश पाओगी कि मैंने कमें तू दुश्मन हो रहा है मेरा आज के दिन। मेरा दिल ने पूछ के देख अगर क्या बात हो ना साची कहूँ मैं। पूछ रखी है दिल ने आज तक को नहीं आया तू न्यू करने, चले जाओ अड़ते हैं चले जाओ। चल शनि कोई ना शनि आ जाएगी। सुना के खा ले एक आधी रोटी राटी। भीतरला तो कौन मानता कुकर खा लियो। भीतरला तो कौन मानता फिर कि मैं खाऊं पियूं जिदे हंडा फिराई होगी। बाबू मिठाई। क्या की मिठाई बेटा ये? बापू मैं बैंक में जॉब लग गई। वाह मेरी बेटी तने मेरा नाम रोशन कर दिया। बापू नो काम कौन चाल है पहले मुंह मीठा करो। बेटा तने बात का कौन बेरिया किस मुंह तो मिठाई खाऊं मैं। क्यों गया बाबू तेरी बेबी बनसी का कौन बेरिया कह दिन हो गए कित सर कित नहीं। यह बात होगी यह बात हो रही है खुशी भी आई और घर में देखूं मातम चार है। अच्छा बाबू मेरे तो बताई भी को नहीं आपने। हमने नू सोची बेटी तन्ने भी क्यों परेशान करा। माँ परेशानी किस बात की या तो अपनी घर की बात थी बतानी तो चाहिए थी ना। घर की समझ गए तो तेरे ताऊ उधर गए थे बेरा पाड़न और तेरे ताऊ ने इंजाम ला दिया जी पाछे जमा मेरे गोडे टूट रहे हैं। बाबू वे भी दुखी हो रहे होंगे जब टेंशन टेंशन में कहती होगी ये बात। बुरा ना मानो तुम सब ठीक हो जाएगा। भाई पवन मैं एक बात बोलूं। बोल भाई संदीप। मने ने मुंशी का एक छोरा के लिए देखी थी नैन मटके करे थी। अच्छा रे और जब मैंने यह बात बताई मन लगती मैं घर तक काट दिया हो सका है उस छोरा का हाथ पावा बीच में। उस छोरा की मता पता से तने। हाँ भाई जानू अच्छी डाले। एक काम करे तो छोरे भीतर ले जा और चल संदीप। चल भाई। यो है भाई। यो है। हाँ उधर। क्या नाम तेरा? केपी है जी। क्या हो गया? वंशी का नाम की छोरी जाने है? कौन वंशी का? मैं कौन जानता कि से वंशी का ने? तेरा पांच चार दरुंगा ने तेरा सारी याद आ जाएगी। हाँ मैं सच्ची बताऊँ मैं कौन जानता? झूठ बोलन नहीं रहा। मैंने देखा यार पार्क में वंशी का के लिए। मैं कौन जानता? ऐसे मार मत रे भाई ना। बताओ कौन बतावा है? बताऊं सब सब बताऊं 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 माफ कर दो मेरे तो गलती होगी। तो बताओ बिगवा छोरी किससे कोनी? जी मैंने वहाँ 5 लाख रुपया हम बेच दी। अरे कमीन है अरे शर्माही कहता ना अरे छोरी बेच दी। गलती होगी जी गलती होगी। कौन था वो किसने बेची से? जी एक गुणिया गुणिया था उसने। अरे अरे शर्म को नहीं आई के मारो जी मार दो चार मार इसके। माफ कर दो मैंने गलती होगी। लेके चल भाई पवन। हाँ भाई। अरे भाई मैंने माफ कर दे। किसी बात करे भाई हाथ जोड़ के मन शर्मिंदा ना करे। भाई मैंने काम में इसे कर रखे हैं तेरे तो नजर में लाने दूंगा कौन है भाई मैं। तारम जो दुख की घड़ी आई थी ना उसमें कोई भी बैठ सका है तारी गलती कौन मेरे भाई। पवन तेरा दिल बड़ा है हमने तेरे पर इतने इल्जाम लगाए फिर भी मारी छोरी का बेरा तो नहीं लगा। भाभी ये बछोरिया कित बेरा पट्टा है ये बते एक कड़ी थे आई है ये बसली मुजरिम थे ना तो बाकी है। फिर भी भाई तने इतना तो कर दिया मारे खातर। हम तो टूट गए थे पवन। मन्ना कौन करया? संदीप ने बताई सारी बात। संदीप रे। हाँ मालिक। अरे नू कह दिया अगर लोग नौकर है ना लाख रुपया का फायदा भी करवा दे अरे मैंने तो जूतिया पर आख्या रे। ना मालिक इसी कोई बात को नहीं आप खड़े हो जाओ। भाई जिस थोड़े प्यार करे थे ना यह बात बताना चाहो था तने हो अतने ठाठा के पटके आयो यह बात कही थी ना गांव में इकट्ठा करूंगा मैंने सोची मेरी अपनी इज्जत जागी जिद मैंने मेरा दौर रखा था तने दुश्मनी पाल ली। मैंने विश्वास ना करे भाई अपनी छोरी पांदा विश्वास रखा। अरे तेरी मेरी सो दुश्मनी है फिर छोरी अपनी नैन नैरी को नहीं इज्जत तो एक होगी क्योंकि आप एक के पेड़ की टहनी हा। यह बात मैंने कदे सोची नहीं भाई मैंने रुपया गमंड रखा हमेशा अपने भाई का ना देखी मैंने। भाई कोई बात को नहीं भगवान ही तो कुशल मंगल सुतरी लाल छोरी ने घर न लिया हुआ। हेलो भाई
फोन आया है अपनी छोरी का बेरा पार्टी का कड़ा से तावले चलो तो चल चल सियाणी आ जा बेबे वंशिका जनाब आपने किट्टो है मुजरिम भाई मन्नो कोंटो आयो इसने खुद ने सरेंडर कराया है अरे नीचे तन्ने बोलू मैं बोलो जी ये छोरी क्या था किडनैप करी थी मैं तो व्यापार करूं छोरिया का अरे मन तो मोल खरीदी थी जी अरे माओ है छोरिया व्यापार व्या करेंगे अरे लोग तनु कह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और तू व्यापार कर रहा है ए नीचे तू इसका हाथ ना लगावे इसने सजा कानून देगा अरे जे तेरे बेटी होंगी तो उसकी भी बोली लगा दे तना शर्म को नहीं आई नू जी इतनी मेरी आख्या बनी थी पट्टी बन रही थी अरे वह खुल गई जी और सारी बात तो ठीक से पर एक बात बता तू मैंने तने अपने आपने सरेंडर की डाल कर दिया नू जी मेरे बेहतर लजमीर ने गवाही कौन दी क्योंकि आपका सियान है मेरे ऊपर एक उस खातर जी शान मैंने तो देखा है पहली बार है तू आप कौन जान दे जी मैंने माँ अपने जान जी एक साल पहले मैं सुई रोड पे एक छोरा पड़ा था जी एक्सीडेंट हुआ उसकी जान बचाई थी आपने जी छोरा का बाबू हूँ जी फिर तन्ने के बेरा पाट्या अकिया मेरी छोरी है मैंने तो इसकी बोली लुवाई दी थी जी घंटे दो घंटे बस रह रहे थे अरे भाई तावड़ा गाड़ी लेके आ जा यार इतना टाइम को नहीं तन्ने बेरा है ना हाँ तावड़ा गाड़ी लेके ना ठीक से फोन भी ले रही है पापा मम्मी ये फंड ना करे एक तो तेरी नीलामी होली अरे फोटो किसका है मेरे पापा का तेरे पापा का फिर ये आपका फोटो देख देख के रो थी जी जब मैंने छोरी से पूछ ली अगे वो कौन है क्या छोरी ने बोली मेरा बाप है जी जिस मैंने पहचान लिए जी आप कुंडू देख ले भाई जिंदगी में एक अच्छा काम करा था जिसने तेरी औलाद की जान बचा दी अरे सोच अपनी बाण मर रही थी और तू नाट गया इसने मार दे जीता सारा खर्चा बच जाएगा तेरा भाई और शर्मिंदा मना करे मैंने इतनी गलती कर रखी है अगर मैं माफी मांगण का भी हकदार कौन है तेरे दो रहे बेबे आज एक बात कहना चाहूँ यो पहनावा कल भी गलत था आज भी गलत है उस दिन हमने कही थी तना बुंडी लागी थी आज इसे की सजा है या देखा जी मेरी बेटी आज पढ़ लिख कर मेहनत करी छोरी ने आज आपके पाया पर खड़ी है या आज मेरी बेटी नौकरी भी लागी या तना कही थी ना 1000 रुपया की लिपस्टिक आज 1000 रुपये की लिपस्टिक तना महंगी पड़ी है देखी छोरी का नहीं मेरे समझ में आ गई बेटी थी छूट नहीं देनी चाहिए उसका जितने संस्कार देने चाहिए तना अपनी बेटी थी संस्कार दिए चाचा मन्ना माफ कर दे तना जिस दिन मेरे शुरू में टोकी थी ना मैं उसी दिन सुधर जाती तो आज ये नौबत को नहीं आती सारी गलती की हकदार मैं हूँ मन माफ कर दो कोई बात नहीं बेटा गलती का एहसास हो गया ना इस तो बड़ी कोई बात को नहीं सकती और साहब इसने ले जाओ इस तो बड़ा दुनिया में गुनहगार भी को नहीं सकता चलो राम राम दोस्तों आज जो हमने वीडियो दिखाई है ना थोड़ा इस कपड़े के ऊपर फोक्स डाल लिया कि जो हमारी गुड़िया पा रहे हैं बाकी किसी ने अच्छा लगा तो कोई इलाज भी को नहीं और बाकी अपने बालक ने संस्कार दो जो हमने अपनी गुड़िया थी दिए क्यों या पटके के नौकरी को लगी इसकी छूट दी तो देख कड़ा फंसी पाई बाकी हमारी स्टोरी के माध्यम से हम समझ गए जो हम दिखाना चाहवा अगर किसी बालक का एक कभी अक्कल लग जाए दो का अक्कल लग जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी बाकी कमेंट और लाइक जरूर करा करो भाई जय हरियाणा जय हरियाणवी।